झारखंड में अपनी सियासी जमीन को तलाशने के लिए कांग्रेस एक बार फिर से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और ये पहली दफा हुआ है कि झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष के साथ 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। गांधी जी के संदर्भ में कांग्रेस हमेशा से बढ़ चढ़ कर बोलती रही। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव है। पहले आपको बताना चाहूंगा कि रामेश्वर उरांव पूर्व IPS अधिकारी भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ 5 कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों? एक से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 से भले 5। ये उत्तर है मेरा। आपका ये उत्तर है। अभी आप कह रहे थे कि गांधी होते तो राम राज्य होता, क्या तर्क है इसके पीछे? गांधी होते तो राम राज्य होता, इसके पीछे तर्क है। राम मंदिर बनाने वाले, राम के भक्त जो अपने को कहते हैं, कर क्या रहे हैं देश में? हमारा भरोसा मतदाताओं पर है। मतदाता आज BJP से असंतुष्ट हैं। इतनी घोषणाएं हुए, इतने वादे हुए, ठीक उल्टा काम हो रहा है। अब महंगाई कम होगी, आप लोग भी बोलते हैं, अब पेपर में भी छपता है कोई महंगाई कम हो गई है, 0% दिखा रहे हैं। महंगाई बढ़ी है या घटी है? कहते कुछ है, ये मुद्दा बदल देते हैं। जो असली मुद्दा लोगों का है, गरीब लोगों, इस देश में तो गरीब ही लोग रहते हैं, गरीब लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों का जो मुद्दा है, हो सकता है बेरोजगारी का मुद्दा जो है, मंदी का मुद्दा, व्यवसायी लोगों को मंदी का मुद्दा, लोग बोल रहे हैं। बताइए, लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, लोग बोल रहे हैं मोदी है तो मंदी है, बेरोजगारी है, मंदी है, मोदी है तो मंदी है और बेरोजगारी है। ये कहां है, कहां से कहां दूसरे मुद्दा को भटका देते हैं और अपना। चलिए चलिए, मैं आपकी बात को समझ गया कि मोदी है तो मंदी है, और इसके साथ ही कांग्रेस के नेता है, बड़ी जिम्मेवारी मिली है इन्हें, और सामने विधानसभा का चुनाव है, यानी साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे इस बार जनता के बीच में ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे, और BJP राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलती है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नजारा क्या उभर कर सामने आ पाता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।